दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि डीएसएलआर मार्केट की मैं वीडियो बनाऊं, आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे कैसे वहां पे डीएसएलआर मिलते हैं, कौन कौन सा मॉडल आपको मिल जाएगा और कितनी प्राइस में मिलेगा। तो मैं वहां पे जाके आ चुका हूं और अभी मैं आपको उसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगा। बहुत सारे डीएसएलआर मैंने वहां पे देखे, निकोन के भी है, कैनन के भी है, सोनी के भी है, हर तरीके के वहां पे डीएसएलआर है। ट्राइपॉड वगैरह की भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख पाओगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी बढ़िया रेट में वहाँ पे डीएसएलआर मिलते हैं। अगर आपको सेकेंड हैंड डीएसएलआर लेना हो तो वो भी वहाँ मिल जाएगा, और नया तो मिलता ही है। और जो नया डीएसएलआर होगा ना, उसकी प्राइस भी आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या अपने आसपास में कोई शोरूम हो कैनन का, निकोन का, वहाँ पे चेक कर लेना, पूछ लेना। उसके बाद उस मार्केट की प्राइस जाके पूछना, आपको कम से कम भी 3 से 4 हज़ार सस्ता मिलेगा नया डीएसएलआर वहाँ की प्राइस से, अमेजोन वगैरह की से। और वैसे भी और शॉपकीपर जो है अपनी खुद की गारंटी पे 1 साल की ज़्यादा वारंटी भी आपको दे देगा। नॉर्मली वारंटी आती है 2 साल की, पर शॉपकीपर से आप बात करोगे तो वो 3 साल की वारंटी दे देगा। और 3 साल के अंदर आपका कोई भी ख़राब होता है डीएसएलआर तो वो ठीक करवा के देगा फ्री में। मैंने खुद जो डीएसएलआर लिया है उसकी मुझे 3 साल की वारंटी मिली थी, और जबकि जो है शोरूम पे मैंने पता किया, नेट पे पता किया, तो सिर्फ 2 साल की मिलती है। तो काफी सारे फायदे हैं वहां से लेने के। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए पहले आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। तो दोस्तों ये मार्केट जो है चांदनी चौक में है, जो कि दिल्ली में है, और इसका एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला एड्रेस बताऊं तो ये देखो सामने आपको ये लाल किला दिख रहा है, रेड फोर्ट बिल्कुल इसके पास में ही है ये मार्केट। और यहाँ रेड फोर्ट के पास में वो जो पीली बिल्डिंग आपने देखी थी, वो एसबीआई का बैंक है, उसके ठीक सामने की गली में, ये आप गली देख रहे हो, ये पतली सी गली है, इसमें ही आगे जाके ये पूरा कैमरा मार्केट है, कुच्चा चौधरी मार्केट नाम है इसका। और जैसे आप देख सकते हो दोनों साइड में दुकान ही दुकान है कैमराज की, और ऊपर देखो ये नाम लिखा हुआ है कुच्चा चौधरी। तो रेड फोर्ट पे आके आप पूछ सकते हो किसी से भी। और जैसे मैंने कहा था पीछे देखो ये रही एसबीआई की बिल्डिंग, तो यहाँ से ठीक सामने की तरफ ये पतली सी गली में है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं किसी शॉप में। दोस्तों ये देखो ये जय माता दी कैमरा पॉइंट नाम से शॉप है, तो भैया कैमरा से रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं ना? भैया कैमरा से रिलेटेड सारी चीजें मिलती हैं, कैमरा, बैटरी, चार्जर, स्टैंड, हर चीज मिलती है, मेमोरी कार्ड वगैरह सब। हाँ मेमोरी कार्ड, बैटरी कार्ड वगैरह सब, नया पुराना दोनों मिल जाएगा। हाँ नया और पुराना दोनों हर तरह के। दिखाना कुछ निकाल के, दिखा भैया दिखा, निकाल विक्की भाई कोई D40D निकाल, 2-3 मॉडल निकाल के दिखा भैया को। दोस्तों ये देखो ये निकोन का D3200 है, क्या प्राइस है भैया इसकी? D3200 16,500। तो दोस्तों ये देख लो D3200 आपको 16,500 का पड़ेगा, और 1-2 हज़ार रुपये और कम हो जाएंगे अगर आप खरीदोगे तो। निकोन का D3000 आपको पड़ जाएगा 13,000 में, इसकी कंडीशन भी काफ़ी सही लग रही है। तेरह हज़ार का पड़ेगा, 1000D विद गारंटी 6 महीने की, 6 महीने की गारंटी मिलेगी इसमें। हाँ दोस्तों ये कैनन का 1000D आपको जो है 13,000 में पड़ेगा, और इसके साथ जो है 6 महीने की गारंटी भी मिल जाएगी आपको। फोटो खींच के देखिए उनकी तो जरा इससे। तो ये देख लो दोस्तों कुछ ऐसी फ़ोटो आई है, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इसके कैमरा की, लेंस वगैरह सब बढ़िया है इसका। ये वाला देख लो दोस्तों ये कैनन का 450D है, क्या प्राइस है भैया इसकी? 16,500। तो ये निकोन का है D7000, क्या प्राइस है भैया इसकी? D7000 32,000 का, लेंथ 18-105, 1 साल की वारंटी। तो दोस्तों आपको ये निकोन का D7000 मिल जाएगा 1 साल की वारंटी के साथ 32,500 का, जिसमें आपको लेंस मिलेगा 18-105 वाला। टॉप रिजल्ट
तो ये देख लो, ये इनकी दुकान है, जय माता दी नाम से इनकी शॉप है। आप आओगे ना तो यही बैठे हुए मिलेंगे यहाँ पे, तो इनसे बता देना जो भी आपको कैमरा चाहिए सबसे बढ़िया प्राइस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैमरा, नया पुराना, और जो भी कैमरा से रिलेटेड जो भी आइटम चाहिए सब मिल जाएगी, बैटरी चार्जर वार्जर ढक्कन वक्कन जो भी होता है कैमरा का सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों ये देख लो, ये जो है इनकी दुकान का कार्ड है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। जय माता दी नाम से इनकी जो है शॉप है ये, यहाँ पे आपको नया पुराना दोनों कैमरा मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों अब नीचे की तरफ चलते हैं और किसी और शॉप पे पता करते हैं कि क्या प्राइस है, और नीचे जाके ट्राईपोड भी दिखाऊंगा मैं आपको कुछ। तो ये हम एक न्यू शॉप पे आए हैं, सागर एंड सन नाम से इनकी जो है शॉप है, इनका कार्ड भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। इनके पास भी काफ़ी सारे DSLR और लेंसेज वगैरह रखे हुए हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये इनका कार्ड है, यहाँ पे कार्ड पे आपको नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप इस पे जो है कॉल करके पता कर सकते हैं कि किस कैमरे की कितनी प्राइस है, या कोई भी लेंस वगैरह चाहिए हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये निकोन का D3200 है, इसकी प्राइस इन्होंने 16,000 बताई है, उन्होंने जो है 16,500 बताई थी, 500 रुपये इन्होंने कम बताई है। ये निकोन का D5200 है, और ये जो है 1855 लेंस के साथ आपको पड़ेगा 18,000 रुपये का, और इसकी जो है स्क्रीन टिल्टेबल है, आप जो है इसकी स्क्रीन को बाहर निकाल सकते हो। दोस्तों ये देखो, ये कैनन का 700D है, इसकी प्राइस है 28,000 रुपये, आपको जो है इसके साथ दोनों लेंस मिल जाएंगे। ये कैनन का 55-250mm का लेंस है, और यहाँ पे आपको जो है पुराना लेंस मिल जाएगा 6,000 से 7,000 रुपये के बीच में, नए लेंस की जो प्राइस है वो 14,000 से 15,000 रुपये है, और ये जो है काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, इस पर आपको जो है 2 साल की वारंटी भी मिल जाएगी, 2 साल की वारंटी के हिसाब से 6,000 से 7,000 का ये बहुत ही बढ़िया डील है। चलो दोस्तों अब ट्राईपोड का जो है रेट पूछते हैं। तो ये देखो, ये सिंपेक्स के 333 और इंपेक्स का 2400, ये दो ट्राईपोड है मेरे सामने, एक एक करके इनकी रेट पूछते हैं। ये है सिंपेक्स का 333, क्या प्राइस है? ये आपको 600। सिंपेक्स 333 की जो है ऑनलाइन प्राइस है 800 रुपये में, और यहाँ से जो है आपको 600 रुपये का पड़ जाएगा। दोस्तों ये है सिंपेक्स का 2400, और 2400 कितने पड़े? 1000 का है ये, यहाँ पे न्यू जो है 1000 रुपये का पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो ये आपको 1500 रुपये का पड़ेगा। तो दोस्तों ट्राईपोड की रेट का डिफरेंस देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना सस्ता जो है आपको यहाँ पे ट्राईपोड मिल सकता है, तो आप सीधा यहाँ पे आ जाना अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी ट्राईपोड लेना हो तो। कार्ड मैंने आपको इस दुकान का पहले ही दिखा दिया है, तो आप जो है कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो दोस्तों जैसे आपने देखा वहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा था, काफ़ी सस्ते सस्ते DSLR वहाँ पे मिलते हैं, और जो पुराने DSLR होते हैं उन पे आपको वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अभी खरीदा और 10 मिनट बाद में या 10 दिन बाद में 20 दिन बाद में आपका ख़राब हो गया तो फिर आपके पैसे खराब हो गए, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो आपको 6 महीने की या 1 साल तक की वारंटी आपको दे देंगे, और जो है DSLR और ट्राईपोड वगैरह इतने ज़्यादा ख़राब होते नहीं है, ना उनके लेंस इतने ज़्यादा ख़राब होते, तो सेकेंड हैंड अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, काफ़ी सस्ते रेट में आपको सेकेंड हैंड भी मिल जाएंगे। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए यही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।